रात में न्यूज में आप लोग देखिएगा कि भाई फलना जो कह रहा है बिहार में जंगल राज, यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। न्यायपूर्ण काम है वही कीजिएगा, ये ना कि जात देख करके काम कर रहे हैं किसी का, ये ना कि धर्म देख के काम कर रहे हैं किसी का। जात पात रिलीजन धर्म को छोड़ करके जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जो जिम्मेवारी बैठी है, जब आप लोग न्याय कीजिएगा, जब अपने 100% जब देंगे, तो जरूर हम लोग नया बिहार बनाने में कामयाब होंगे और बिहार को ऊंचाइयों को ले जाने में जरूर कामयाब होंगे। सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं ये, हम लोगों भाग्यशाली है कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। मांग करते रहे हैं वो नहीं मिला, अगर मिल जाए तो बिहार भारत के 5 टॉप राज्यों में आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी विचारधारा फलना ये है, यहाँ बैठे हुए अलग अलग जात के हैं, अलग अलग धर्म के होंगे, कास्ट हो, रिलीजन हो, या अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमारा तो यही प्रार्थना होगा कि जात पात रिलीजन धर्म को छोड़ करके जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जो जिम्मेवारी बैठी है, जब आप लोग न्याय कीजिएगा, जब काम कीजिएगा, तो जस्टिस कीजिएगा, जो न्यायपूर्ण काम है वही कीजिएगा। ये ना कि जात देख करके काम कर रहे हैं किसी का, ये ना कि धर्म देख के काम कर रहे हैं किसी का। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी विचारधारा फलना ये है, वो दूसरे विचारधारा का है, तो हम जो है पक्षपात करें, तो ऐसा काम जो है नहीं होना चाहिए। और हम सब यही विश्वास करते हैं, अगर इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अपने 100% जब देंगे, तो ज़रूर हम लोग नया बिहार बनाने में कामयाब होंगे और बिहार को ऊंचाइयों को ले जाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट्स ऑल वर्क फॉर द बिहार प्राइड्स, बिहार के प्राइड के लिए हम सब लोगों को एक होकर के काम करने की ज़रूरत है। आज आप देखिए बिहार का परसेप्शन बिगाड़ा जा रहा है। आप बताइए, यहाँ नौकरियाँ दी जा रही हैं, हर घर जल पहुँचाया जा रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, बेसिक नीड जो सोसाइटी की है उसको पूरा किया जा रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, फिर भी एक परसेप्शन बना दिया गया कि भाई बिहार में फलना की सरकार आई है तो जंगल राज है। अब आप लोग सब लोग हम यही कहेंगे, अब आप लोग फील्ड में जाइएगा, काम कीजिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा, न्याय कीजिएगा। रात में न्यूज में आप लोग देखिएगा कि भाई फलना जो कह रहा है बिहार में जंगल राज, यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो आप सब लोग को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बिहार का जो नैरेटिव, एक परसेप्शन, जो लोग, कुछ लोग जो बिहार के, मेरा मानना है कि दुश्मन है, जो बिहार को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, उनके नैरेटिव को, उनके प्रोपेगेंडा को हम लोगों को तोड़ने की ज़रूरत है। और बिहार को जितनी ज़रूरत है, जितना साधन चाहिए, अगर हम लोगों को विशेष सहायता केंद्र से अगर मिल जाए, स्पेशल पैकेज मिल जाए, स्पेशल स्टेटस मिल जाए, राज्य को दर्जा मिल जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मांग करते रहे हैं, वो नहीं मिला, अगर मिल जाए तो बिहार भारत के 5 टॉप राज्यों में आ जाएगा, इतना मेरा पूरा विश्वास है। इतने कम संसाधन के बावजूद भी आप देखिए यहाँ कौन सा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार में छूटा हो या ना हो रहा हो, सारे दिशाओं में हर एक चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी देखने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोगों भाग्यशाली हैं कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। वी ऑल आर वन टीम, और ये टीम के कप्तान हैं, इनके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो हम यही उम्मीद करेंगे आप सब लोगों से कि अपने जिम्मेवारियों को आप लोग निभाएं, लेकिन हाँ, इनकी पॉलिसी भी है, प्रिंसिपल भी है, नीतीश जी की प्रिंसिपल है, हमारी सरकार की भी प्रिंसिपल है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ CCC। वो CCC क्या है? क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। इसलिए इन सारी चीज़ों का हम लोगों को जो है ध्यान रखने की भी ज़रूरत है।